हेलो दोस्तों, मैं हूँ गौरव और आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एंसिबल स्ट्रेटेजी के बारे में। ठीक है, तो एक प्ले बुक है, जैसे सपोज ये एक प्ले बुक है। फाइन, तो इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, वेब सर्वर पे ये टास्क रन करवा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले ये टास्क रन होगा, उसके बाद में ये टास्क रन होगा। ठीक है, और सपोज यदि इस टास्क में यदि कोई भी एरर आ गई तो अपन यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, ये वाला टास्क रन नहीं होगा। ऐसे एंसिबल का प्लेबुक जो है ये वर्क करता है। ठीक है, अब यदि यहाँ पे एक वेब सर्वर है ना, तो इस केस में तो इस एकदम सिंपल एकदम ऐसा काम करेगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ एसक्यूएल सर्वर वन। अब इस केस में काम कैसे करेगा, दो टास्क हैं। ठीक है, अब ये काम कैसे करेगा, सबसे पहले इन दोनों के दोनों जो एसक्यूएल सर्वर और वेब सर्वर है, इन दोनों के ऊपर पहले वाला टास्क एग्जीक्यूट होगा, दोनों पर एक पे नहीं, पैरेलली। ठीक है, और पहले वाले पे जाके क्या कर, दोनों पे जाके क्या करेगा, इंस्टॉलेशन लगा देगा ये अपाची टू का। ठीक है, अब सीन क्या है, अपाची टू का इंस्टॉलेशन लगा दिया, पर सपोज वेब सर्वर वन वाला है, यहाँ पे अपाची ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे तो इंस्टॉल हो गया, तो अब इसके बाद में ऐसा नहीं होगा कि जो ये वेब सर्वर है ये सेकंड टास्क स्टार्ट कर देगा, नहीं। जब तक पहला टास्क इन दोनों के दोनों मशीन्स पर कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक ये सेकंड टास्क पे नहीं आएंगे। ठीक है, तो अब सपोज करो वेब सर्वर वन वाला जो अपना जो एक सर्वर है, यहाँ पे इंटरनेट स्पीड बहुत अच्छी है, तो तुरंत ये डाउनलोड हुआ और इंस्टॉल भी हो गया विद इन 30 सेकेंड एंड 50 सेकेंड्स के अंदर। और ये जो दूसरा है ना, इसमें शानदार वाली, मतलब बहुत ही शानदार 15 kbps वाली स्पीड है, तो अब 15 kbps स्पीड है तो इसको डाउनलोड होने में 5 मिनट या 6 मिनट लग गए। तो अब ये जो वेब सर्वर वन है ना, ये 5 या 6 मिनट बैठा रहेगा, केवल इसलिए कि भाई जब मेरे दूसरे वाले दोस्त का काम पूरा हुआ ना, उसके बाद में इसके साथ आगे चलूँगा। तो ये जो स्ट्रेटेजी होती है, ये एंसिबल की डिफॉल्ट स्ट्रेटेजी होती है, इस चीज़ को अपन बोलते हैं लीनियर स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो अभी लीनियर स्ट्रेटेजी जो है इसको, ये डिफॉल्ट होती है, तो ये ऐसे रहती है, str.lin ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी रहेगी, तो देख लेते हैं। तो अभी मैंने क्या किया, ये अपाची टू यहाँ पे देख लेते हैं दोनों मशीन पे से किस वाली पे अपाची टू इंस्टॉल्ड है और किस पे नहीं है। तो स्टेटस फाइन, तो मैं क्या करता हूँ, इसको स्टॉप करता हूँ, स्टॉप सर्विस, उसके बाद में मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, apt-get-remove apache2। ठीक है, तो इस वाले मशीन पे अपाची ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और इस वाले पे अपाची इंस्टॉल्ड नहीं है। ठीक है, तो अभी अपना ये क्या काम करने वाली है, ये एंसिबल जो ये क्या करेगा, ये अपाची टू इंस्टॉल करेगा, तो इस पे तो अपाची टू ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ना, तो तुरंत ये फाइल बन जानी चाहिए थी, राइट। पर ये फाइल तब तक नहीं बनेगी जब तक इस पे भी अपाची टू इंस्टॉल नहीं होगा, क्योंकि सेकंड टास्क पे आएगी तब जब फर्स्ट टास्क दोनों के दोनों मशीन्स पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो चलो अभी मैं इस प्ले बुक को रन कराता हूँ, पर मैं यहाँ पे कमांड पहले ही देख लेते हैं, यहाँ पे मैं wtch-n1ls। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी यदि फाइल क्रिएट होगी तो अपन को तुरंत दिख जाएगी, और फाइल तब तक क्रिएट नहीं होगी जब तक यहाँ पे सर्विस स्टेटस, तो अपन तुरंत एंटर मारेंगे। तो एग्जीक्यूट कराते हैं इसको, तो सी अभी तक नहीं आया, अभी तक इधर भी नहीं आया, यहाँ पे भी कोई नई फाइल नहीं बनी, यहाँ पे भी coservici फाइन आ गया। तो इधर देखो अब फाइल बन गई, और सेम वही फाइल अब यहाँ पे भी बन गई होगी,
तो ये होता है स्ट्रेटेजी इसके अंदर, इस चीज़ को बोलते हैं अपन लीनियर स्ट्रेटेजी। पर अब मुझे क्या करना है कि यार नहीं, मेरे को वो जो दूसरा है ना वो मेरा दोस्त है ही नहीं, दोनों मशीन आपस में दोस्त है ही नहीं, मतलब ही नहीं है, मैं मेरा काम करूँगा उसको उसका काम करने दो, तो वो चीज़ कैसे करेंगे? मतलब कि भाई उसके पास क्या इंस्टॉल्ड है क्या नहीं है, उसकी कितनी स्पीड है, या फिर उसके ऊपर वो टास्क एग्जीक्यूट हुआ भी है या नहीं हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं मेरे टास्क एग्जीक्यूट करा, मतलब जो एक मशीन है उसके पर्टिकुलर टास्क एग्जीक्यूट कराती रहेगी, सेकंड उसके कराती रहेगी। तो ये जो स्ट्रेटेजी होती है इस चीज़ को बोलते हैं फ्री स्ट्रेटेजी, मतलब कोई इंडिपेंडेंट, ये दोनों इंडिपेंडेंट रहेंगे, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। जैसे लीनियर स्ट्रेटेजी में क्या होता है, ये डिपेंडेंट रहते हैं कि भाई जो फर्स्ट टास्क जो है वो सारे के सारे मशीन्स पे रन हो जाएगा, उसके बाद में सेकंड टास्क सारे के सारे मशीन्स पे चलना स्टार्ट होता है, राइट? तो अब ये फ्री स्ट्रेटेजी कैसे यूज़ करते हैं, तो कुछ भी नहीं है, जहाँ पे अपन ने लीनियर कीवर्ड यूज़ किया था ना वहाँ पे अपन को फ्री कीवर्ड यूज़ करना है। तो जो अब मैंने ऑलरेडी प्ले बुक बना रखी है free.yml, तो बस आपको ये यूज़ करना है, उसके बाद में कोई मतलब नहीं है। तो वापस अपन वही करते हैं, रिमूव कर देते हैं यहाँ से apt-get remove apache2, यहाँ से रिमूव हो गया, और पहले वाले में अपाचे ऑलरेडी है, तो देखना वहाँ पे तुरंत फाइल बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल सी मैं रिमूव कर देता हूँ, rm-rvf*। ओके, ये हो गया। अभी मैं वॉच कमांड लगा देता हूँ, ये वॉच कमांड लगा दी है, अब मैं रन करवाता हूँ इसको, फ्री स्ट्रेटेजी, राइट? एनसीबल हाइफन प्ले बुक एंड free.yaml सी, अब यहाँ पे तुरंत बन जाएगा, ये बन गया। एंड यहाँ पे सर्विस अपाचे टू स्टेटस, यहाँ पे भी इंस्टॉल हो गया, पर फ्री स्ट्रेटेजी में यही होता है कि वो इंडिपेंडेंट रहते हैं एक दूसरे से। अभी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और, क्वेश्चन क्या है, जैसे अभी अपना जो प्ले बुक था, इस प्ले बुक के अंदर vi-playbook.yaml, ठीक है, यहाँ पे है SQL Server 1, SQL 2, SQL 3, SQL 4 एंड SQL 100 तक है, या फिर 1000 तक है, ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि ऐसा होगा कि भाई जैसे ही आपने आप लोगों ने क्या किया, जैसे ही ये प्ले बुक चलाना स्टार्ट किया, तो ये प्ले बुक जैसे ही चलना स्टार्ट हुई, तो क्या 1000 के 1000 मशीन्स पे पहला टास्क स्टार्ट होना स्टार्ट हो गया, जो पहला टास्क है वो, क्योंकि लीनियर स्ट्रेटेजी में यही था ना कि भाई पहला टास्क है वो पैरेलली रन होगा, राइट? तो बताओ क्या होगा, बोलो, और बोलोगे कैसे, वीडियो देख रहे हो, है ना? तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं होता है तो क्वेश्चन नहीं आता है यार, फिर होता क्या है, ठीक है। तो एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको कि ये होता कैसे। तो vi/etc/ansible/ansible.cfg, तो यहाँ पे मिलेगा ये फॉर, इसकी वैल्यू है डिफॉल्ट वैल्यू 5, ठीक है। तो मतलब एनसीबल जो कंट्रोलर है वो केवल 5 मशीन लेगा, 5 मशीन पे पैरेलली जो है सबसे पहले एक चीज़ एग्जीक्यूट करवाएगा, फिर सेकंड टास्क एग्जीक्यूट करवाएगा, थर्ड टास्क एग्जीक्यूट कराएगा, मतलब उन पांचों के पांचों मशीन पे वो प्ले बुक चला लेगा। उसके बाद में बाकी की जो 95 मशीन्स हैं उनमें से वापस सेकंड 5 उठाएगा, शुरू की 5 हो गई, उसके बाद में 5 नंबर से लेकर 10 नंबर तक की उठाएगा, फिर उन 5ों में वो प्ले बुक करवाएगा। उसके बाद में आगे का आगे का आगे का आगे का एंड सो ऑन, तो ये ऐसे होता है, ठीक है। तो ऐसे एंसिबल में ये जो प्ले बुक है एग्जीक्यूट होगी। अभी चीज़ आती है कि भाई ये जो ये फॉर की वैल्यू जो 5 है, मैं इसी को ही 1000 कर दूँ, तो दोस्तों यदि 1000 कर दोगे ना तो चलेगा, 1000 मशीन्स पे ही ये
आपका पैरेलली टास्क एक्सीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। पर इतना ध्यान रखना कि एंसिबल जो कंट्रोलर रहेगा ना उसकी इतनी औकात भी होनी चाहिए, मतलब ना उसका सीपीयू प्रोसेसर वगैरह सब हाई फाई होना चाहिए। आपने कर दिया 1000 और पता चले वो फट फटा गया, तो उस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी ये आता है कि ये जो सीरीज की जो फाइव की वैल्यू ना, ये अपन कहीं एनसीबल की जो प्ले बुक लिखते हैं उसके अंदर डिफाइन नहीं कर सकते क्या कि भाई ये एक साथ ये जो जो सीरील है जो इसमें है पांच है, या फिर मैं वहीं बता दूं कि मेरे को केवल तीन तीन मशीन्स पे इंस्टॉल करना है, राइट। जैसे 100 है तो जैसे 100 में से तीन शुरू के तीन, फिर उसके बाद में शुरू के जब तीन हो गए तो उसके बाद में सेकंड थर्ड, उसके बाद में फिर वापस तीन, फिर तीन तीन, तो वो चीज़ कैसे करेंगे। तो उसके लिए है VI स्पेस, तो आपको ये सीरियल मेरे पास दो है, तो मैंने क्या बोला है प्ले बुक के अंदर कि पहले तो जो इस लिस्ट के अंदर जो फर्स्ट वन है ना उस पे ये सारा का सारा इंस्टॉल हो जा। तो मैंने क्या बोला है, एंसिबल स्टार्ट होएगा सबसे पहले वेब सर्वर पे, उसके बाद में स्ट्रेटेजी टास्क 2.txt ये बनेगा, ठीक है, सॉरी इंस्टॉल होएगा यहाँ पे, स्टार्ट नहीं होगा। उसके बाद में ये डमी फाइल बन जाएगी और उसके बाद में ये जो है 30 सेकेंड्स के लिए स्लिप हो जाएगा। अब जैसे ही ये पूरी ये थर्ड जो 30 सेकेंड के लिए सोएगा उसके बाद जैसे ही उठेगा तो भाई ये तो हो गया। अब सेम यही प्लेबुक जो है वो दूसरे मशीन पे रन करेगी क्योंकि अपन ने यहाँ पे सीरियल एक बोल रखा है। तो उसके बाद में स्ट्रेटेजी टू टास्क 2.txt फाइल सेकेंड मशीन पे बनेगी। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। एग्जीक्यूट करने से पहले क्या करते हैं, टेम्प डायरेक्टरी जो है ना उसको कर देते हैं खाली, ठीक है। वही यार वॉच कमांड लगा देते हैं, ठीक है। चलो एनसीबल हाइफन प्ले बुक एंड सीरियल डॉट यामल, तो क्या हुआ फर्स्ट टास्क ये हो गया, डमी फाइल यहाँ क्रिएट हो गई और अभी वो 30 सेकेंड के लिए सो गया। और अभी देखो यहाँ पे कोई फाइल नहीं आई जबकि यहाँ पे फाइल आ गई, वो 30 सेकेंड के लिए सो गया। अभी जैसे उठेगा ना तो इधर की साइड हुई है अपाचे 2 इंस्टॉल करेगा, अपाचे 2 इंस्टॉल होगा तो उसके बाद में फाइल बनेगी, ठीक है। थर्ड टास्क चल रहा है इधर, ये वेब सर्वर पे चल रहा है, उसके बाद में एसक्यूएल सर्वर पे ये चीज़ स्टार्ट हो जाएगी। वेट, तो ये आ गया दूसरे पे, यहाँ पे ये आ गया टास्क, अब ये भी 30 सेकेंड के लिए हो गया। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं एनसीबल के अंदर स्ट्रेटेजी। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, बाय गाइस।